फालतू में वो बोला ये फोन नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, हम इस समय खड़े हैं वसई पूर्व के मधुबन क्षेत्र में। यहां आप हमारे सामने देख सकते हैं एक मटका कुल्फी आइसक्रीम की एक हाथ गाड़ी है। यहाँ कुछ एक कल ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि वो इंसिडेंट ऐसा है। हम एक तरफ हमारी सरकार बोलती है स्वरोजगार की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ लोगों को स्वरोजगार मिले उसकी, जो कोई प्रशासन है महानगर पालिका हो, कलेक्टर, जिला कलेक्टर हो, उनको कोशिशें करनी चाहिए ताकि लोगों को स्वरोजगार मिले। और इस समय कहीं तकलीफें हैं, परेशानी है, इसमें 2016 में नोटबंदी हुई, 2021 में लॉकडाउन था, उससे कई लोगों को परेशानी है। लेकिन दूसरी तरफ जहां एक तरफ सरकार बोलती है स्वरोजगार, दूसरी तरफ जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनको रोज की कितनी तकलीफें हैं और कितनी परेशानियां हैं, इस पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। तो यहां ये जो कुल्फी वाले हैं इनके साथ कल जो पावती वसूली ठेकेदार है उसके गुंडे ने इनके साथ गलत हरकत की, मारपीट की। इनका ऐसा आरोप है कि उन्होंने इनके ये मटके जो है मिट्टी के वो तोड़ दिए। वो शराब पीकर यहाँ आया, शराब पीकर यहाँ आने के बाद शराब के नशे में इसके साथ इनके साथ में बदतमीजी की, जबकि इन्होंने उसको जो पावती का पैसा था वो पैसा भरने के लिए पहले ही भर दिया। उसके बावजूद अब ये समझ में नहीं आता कि महानगर पालिका ऐसे लोगों को क्यों कॉन्ट्रैक्ट देती है जो अपने मातहत इस तरह से गुंडागर्दी करने वाले को लोगों को पालते हैं। हम बात करते हैं अभी इनसे। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, कल क्या हुआ आपके साथ? वो आया था मटका, आया था खड़ारा। कौन था? पौती वाला। पौती वाला आया, उसने बोला पैसा दे, पैसा ऐसा दे दिया सब कुछ, और पैसा ऐसा दे दिया, उसने शराब पी रखा था, बाद में और पैसा मांगा, उसने पैसा मांगा, पैसा ऐसा क्योंकि पैसा तुम मेरे को दे दिया मैंने पैसा, तो थोड़ा इधर नाला और मटका फोड़ दिया, बाजू में गया मेरे, थप्पड़ थप्पड़ चेटा दिया। वही तो वो रोज वही पावती वाला आता है? हाँ, रोज वही आता है। अच्छा, ये फिर उसके बाद आपने क्या किया जब आपको मारपीट किया ऐसा? उसने, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब जगह सब तोड़ा फोड़ा करके इधर मेरे दो तीन लात हाथ मिल के चला गया। वापिस आया 11 बजे आया और थोड़ा और मारा गिरा और वापिस चला गया। तो आपने पुलिस में शिकायत की? किया। पुलिस ने आपकी शिकायत पे क्या किया? कुछ नहीं किया, वो थोड़ा घना कुछ लिख ही के दिया वापस, ये मेरे खिले में पड़े हैं पेपर। ये आपने पुलिस शिकायत किया है? कहाँ पे? वाली थाने में ना? हाँ। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? एक दो साल बाद मेरे को देखूंगा, तो वो ड्राइविंग है मेरे कोई, वो जाते से मैं मेरे को बोला था मैं जो एक दो साल बाद तेरे को मैं देख लूँगा ऐसा बोला था। उसके बाद वो वापिस आज आया था, पैसा ऐसा लेके चुपचाप निकल गया। क्या क्या हुआ था कल? क्यों मारा आपको उसने? उसको पैसा ऐसा दे दिया, पैसा ऐसा दे के, और मैं थोड़ा सा इधर नाला मटका अटका सब फोड़ दिया मेरा, एक मटका फोड़ा और बाजू में गया, एक रेपड़े पर खींच के रखा और थोड़ा ऐसे धमाल हो गया। कितना पैसा आपने उनको दिया था? 40 रुपया पावती का। पावती का 40 रुपया एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा था? हाँ। क्या कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर रोबोट प्लाजा में। तू रोबोट प्लाजा में रहते? परिवार सारा चीज इस पे आपका निर्भर करता है क्या? भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय जिला वसई विरार जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पांडे जी, हम इनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जो इंसिडेंट हुआ हमने आपको दिखाया, जिस तरह से आइसक्रीम वाले के साथ मारपीट हुई, तो क्या इनका कुछ कहना है हमसे बात? जेपी जी नमस्ते। नमस्कार। ऐसी जानकारी आई है कि आपके क्षेत्र में, आप जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़ी दूरी पर एक आइसक्रीम वाले के साथ महानगर पालिका के जो ठेकेदार है जो हाथ गाड़ी वसूली करते हैं उन्होंने मारपीट की, क्या आपको जानकारी इस बारे में?
हमें जानकारी तो यही हुई कि उसको जबरदस्ती जो पावती का पैसा होता है उससे ज़्यादा पैसा उनको चाहिए, इसकी वजह से उसने देने से मना किया, इसलिए उससे मारपीट किया। और मारपीट करने का ठेका ठेकेदारों ने लिख के रखा है क्या? आयुक्त ने आपको ठेका दिया है, जो पावती का पैसा वसूल करना है वही पैसे के लिए आपको दिया है ठेका। आप लोग अतिरिक्त पैसा वसूलते हैं, जनता को तकलीफ होती है, जनता नहीं उसके लिए कुछ कर रही है। आप लोग जबरदस्ती लोगों को आके मार पीट रहे हो, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को। आप लोग को चाहिए कि उनकी सेवा करें, आपको पावती मिल रहा है, आपका भी घर चल रहा है, और ऐसे ठेकेदारों को पाल के रखे हैं कि जो आके शर्ट फाड़ रहे हैं, कपड़ा फाड़ रहे हैं, उनका रोड पे गिरा के मार रहे हैं। हमने सुना है कि उसने शराब भी पी थी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? अरे वो कुछ भी कर सकते हैं, जब एक्स्ट्रा पैसा जब डबल ट्रिपल इनकम कर रहे हैं तो शराब पियेंगे और गुंडे पालेंगे, यही सब करके। इसके लिए तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। हमारे आयुक्त साहब को इस बारे पे सोचना चाहिए। महानगरपालिका आयुक्त साहब क्या मांग करना चाहेंगे? हमारा मांग तो यही है कि ऐसे ठेकेदारों की जांच होनी चाहिए और ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। आपने ये कहा सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब जब ये खबर जाएगी तो जो बंदा है वो छोटा सा एक व्यापारी है, उसको और भी कहीं ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्या हो सकती है? इसके लिए अगर आपकी पार्टी उसके साथ क्या करेगी? हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी, ज़रूरत लगा तो हम लोग उसके लिए आयुक्त साहब को लेटर देंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो आप उसका साथ आगे तक देंगे? देंगे, क्यों नहीं देंगे। कमजोर लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी। ओके, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे अभी, ये कमलेश जो यहाँ मटका कुल्फी आइसक्रीम की ये हाथ गाड़ी लगाते हैं, इनसे इन्होंने बताया अभी कि इनके साथ कल क्या इंसिडेंट हुआ। तो ये सवाल, और कहीं सिर्फ यही मधुबन की कहानी नहीं है, वसई विरार में कई जगह इस तरह से हालात होते हैं जहाँ जो ठेकेदार के लोग पैसा वसूली को आते हैं वो जबरन वसूली के लिए दबाव बनाते हैं, और कहीं ना कहीं जबरन वसूली तो करते ही, अगर उनको वसूली नहीं हुआ तो मारपीट तक करते हैं। दूसरा एक मतलब है कि नशे में अगर कोई इंसान रहेगा तो वो किस तरह का बर्ताव करेगा उसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। नशाबंदी की हम बात क्यों करते हैं कि इंसान नशे में अपना आपा ही खो देता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महानगर पालिका, मैं एक बार फिर से कहूँगा, इसमें पुलिस का इतना ज़्यादा रोल नहीं बनता, हालांकि क्राइम का मामला है तो पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होती है। मारपीट हुई है, आज लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा समस्या हो सकती है, लेकिन महानगर पालिका को ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना जरूरी है। और अगर महानगर पालिका अंकुश नहीं लगाती है तो ये समझा जाता है कि महानगर पालिका ही इनको पैदा पालने वाली इनकी पालक है। तो अभी के लिए इतना ही, वसई इससे यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।